पर्दे से पहले ही किंग खान का दिख रहा है सेलिब्रेशन। तीन दिन फिल्मों से शाहरुख का जुड़ सकता है कनेक्शन। 2 नवंबर को किंग ऑफ बॉलीवुड यानी शाहरुख खान का बर्थडे है और इस बार किंग खान पूरे 54 साल के हो जाएंगे। शाहरुख के करियर के अब तक के जितने भी अचीवमेंट्स हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से शाहरुख का फिल्मों से दूरी बनाना उनके फैंस को भा नहीं रहा है और कहीं ना कहीं शाहरुख भी फिल्मों से दूर रहकर खुश नहीं है, इसीलिए जल्द ही वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन 2 नवंबर को बर्थडे पर शाहरुख खुद अपनी फिल्मों के बारे में बताएं इससे पहले ही कई खबरें बाजार में आग की तरह फैल रही हैं और ये खबरें हैं शाहरुख के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर जो आज बॉलीवुड रिपोर्टर में आपको मालूम चलेंगी। तो आइए जानते हैं किन किन प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ सकता है शाहरुख खान का नाम। को प्रोड्यूसर आनंद एल राय फिल्म। आनंद एल राय के साथ जीरो करने के बाद लोगों ने मान लिया था कि शायद अब शाहरुख आनंद एल राय के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन अब ये सरासर गलत साबित होता दिख रहा है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग किंग खान आनंद एल राय की फिल्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे आनंद एल राय के असिस्टेंट डायरेक्टर अनिरुद्ध गणपति डायरेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने आनंद को असिस्ट किया है। इस फिल्म में 2 एक्ट्रेसेस होंगी जो लेडी कॉप्स के किरदार में नजर आएंगी और ये कॉमिक जॉनर की होगी। इस फिल्म के लिए कटरीना और विद्या का नाम सामने आ रहा है। कैमियो इन ब्रह्मास्त्र। काफी वक्त से सस्पेंस में लटकी अयान मुखर्जी की रणबीर और आलिया स्टारर मूवी ब्रह्मास्त्र को लेकर किंग खान का नाम कई दफा सामने आ चुका है। मूवी के साथ किंग खान का नाम एक कैमियो रोल के लिए कई बार जुड़ चुका है। माना जा रहा है शाहरुख का रोल रणबीर के कैरेक्टर शिवा की जर्नी को होल्ड करता है और ये रोल फिल्म को एक खास सपोर्ट भी देता है। सोर्सेज की माने तो शाहरुख ने इस फिल्म के लिए अपनी डेट्स दे दी है और इस साल के एंड में शाहरुख इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। डिजिटल डायरेक्टर एटली फिल्म टाइटल सनकी। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज शाहरुख ने साउथ फिल्मों के डायरेक्टर एटली के फिल्म में काम करने का मन बना लिया है। माना जा रहा है इसके बारे में खुद शाहरुख अपने बर्थडे पर अनाउंस करेंगे। सोर्सेज के अकॉर्डिंग एटली के साथ शाहरुख की अगली फिल्म का नाम सनकी होगा। फिल्म में शाहरुख एक गर्म दिमाग वाले इंसान का रोल प्ले करते नजर आ सकते हैं। वेल, अब 2 नवंबर को ही इन सारी स्पेकुलेशंस के बारे में पता चलेगा कि सच क्या है। वैसे फैंस शाहरुख के बर्थडे के साथ साथ उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहे हैं।